नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप जो देख रहे हैं इसका नाम है दी लल्लनटॉप। जो देखो छोटा सा लोगो दिख रहा है, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये मैं हूँ। और मैंने ये स्टोरी की है, इसका इसकी हेडलाइन है रैली में भीड़ नहीं जुटी तो रो पड़ी बीजेपी सांसद। तो भैया मैटर भी कुछ ऐसा ही है, जो हेडलाइन लिखी वही खबर भी है। भारत में एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जिला आजमगढ़ है, आजमगढ़ में लालगंज लोकसभा है, लालगंज लोकसभा से बीजेपी की सांसद हैं नीलम सोनकर। तो इन्होंने अभी चुनावी सीज़न चल रहा है ज़ोर शोर से, तो रैली वैली भी चल रही है। और आजकल रैली में भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं लोग, पेट्रोल का पैसा देते हैं ताकि लोग आएँ, खाना पैकेट बंटवाए जाते हैं, नाश्ता बंटवाया जाता है, बहुत कुछ होता है, पैसे वैसे भी दिए जाते हैं। तो इन्होंने भी अपने यहाँ मतलब कैसे भीड़ बुलवाई ये पता नहीं है, पर इन्होंने बुलवाई और रैली के लिए इन्होंने लोग बुलाए थे बहुत सारे। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि बिल्कुल भीड़ आई ही नहीं, मतलब चार लोग थे कुर्सी पर जमे थे इधर उधर और वही आ गए सुनने। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बुलाने के लिए कुछ किया ना हो, रंगारंग प्रोग्राम था वहाँ पर, नाच गाने का एकदम बढ़िया फुल तमाशा था। लेकिन क्या कहा जाए कि ये जो जियो वाला सिम है ना, इसने बर्बाद कर दिया लोगों को। स्मार्टफोन में लगा लिए उसके बाद फिर किसी और इंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है, इसीलिए इनकी जो रैली करवाई उसमें भीड़ नहीं आई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र नाथ पांडे जी, मैं अपनी अंबारी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। जो काम अधूरा है उसको पूरा करने के लिए नीलम जी को सांसद बनाएंगे, अब हम यहां के विधायक। तो मैटर ये हुआ है, बिल्कुल भीड़ नहीं है इनकी रैली में, इसकी वजह से भावुक हो गई। अब मैटर ये है कि कुर्सियों का कुर्सी से बहुत तगड़ा कनेक्शन है। जो चुनाव के पहले वाली कुर्सियां हैं वो होती हैं जनता की तरफ, अगर वो भरी रहती हैं तो नेता को बाद में कुर्सी मिलती है, और अगर खाली रहती हैं तो वो कुर्सी छीनने का रिस्क रहता है। तो अपनी जाती हुई कुर्सी देकर ये नीलम सोनकर सांसद जो हैं ये भावुक हो गई। खैर, जो चुनावी कवरेज है वो चल रही है, दी लल्लनटॉप की टीमें पूरे देश में घूम रही हैं और आप उसके कवरेज को देख भी रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो हम रास्ता बता देते हैं, यूट्यूब चैनल हमारा, उसको सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज है उसे लाइक कर लो, और एंड्रॉयड पे ऐप हमारा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लो। थैंक यू। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।